अभी हम लोगों ने क्या किया है, तीनों चीजों पर एक ट्रेन को प्लान किया है मिड सीपी में, जस्ट वन फुट बाय द वे बैक पे रिलेशन मिला है तो बाय द वे अपना देन चलिए फॉरवर्ड कर देंगे। अब ऐसा क्यों किया, नेगेटिव आपका टोटली डे है ठीक है, और अपने को जब भी घंघोर नेगेटिव डेटा होता है उस केस अपने को रिवर्सल प्लान नहीं करना है राइट। तो जब रिवर्सल प्लान नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है शॉर्ट कर, यहां से इसने रिलेशन दिखाया 12940 से एंड अगर ये तोड़े भी तो एक झटके में अपने को ये मिलेगा ट्रेड, बट ऐसा अपने लोग इस पोजीशन को क्लोज कर देंगे क्योंकि गेसेस को स्पाइक आएगा। दो तीन रुपए का स्टॉप लॉस रखता है 18 रुपए के आसपास का, मतलब छोटा सा स्टॉप लॉस है और टारगेट अपना 1:2 तो कम से कम नहीं लेना होता है राइट। 1:1 मिल गया था, 1:1 भी हम ट्रेड कर देंगे, 1:1 भी अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका इवेंचुअली प्रॉफिटेबल हम लोग नहीं हो पाएंगे राइट, इस तरह हमें जाना है। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ओके एक बार अगर इसको ये वो ढूंढ लेगा तो सेम अगर ये होगा तो एक कंसिस्टेंस का आएगा और उस इसका जो हमें को एग्जिट करना होगा, डिपेंड करता है सारा कि ये लेवल आपका टूटता है मिलता है 10 का लेवल, अगर 10 का टूटेगा तो एक प्रकार का स्पाइक मिलेगा और उसी में अपन आपको फिर वन इस टू वन के आसपास मिल रहा है तो वन इस टू वन के लिए ट्रेड नहीं करना है ना, वही सेम चीज है ये बैक में ही अपना कुछ प्रॉब्लम है ना, ये सब कुछ हो गया इधर ये भी स्टूडे का ये आपका 360 के आसपास 390 के आसपास लेवल से देखो ये भी देखो एक और ब्रेक पे खड़ा है तो अगर ये मार्च चलेगा तो गिरेगा तो नीचे गिरेगा अदरवाइज भी आपका जीरो पे लगा जाएगा। जब भी घंघोर नेगेटिव डेटा हो एक चीज हमेशा याद रखना, उस दिन रिवर्सल प्लान नहीं करेंगे, ऐसा कट जाएगा तो हम ट्रेड छोड़ नहीं पाएगा राइट, यहाँ से पाएगा कंसोलिडेशन में कुछ ब्रेकआउट आ सकता है पर उनको नहीं लेना होगा पर इसको और थोड़ा डालते रहते हैं क्या दिक्कत है, थोड़ा सा इसको एक बार करना क्या बारह 200 तोड़ दो इसको एक बार लाभ में एग्जिट का लगा रहा हूँ ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर दे सकते हैं बारह 200 में तोड़ रहा है एक बार इसको एक दिन नाम में अंतर ये करते हैं बारह 200 में नहीं टूटेगा तो फिर समस्या है अपने लिए वाले को
तीस लोग का रूम कर दिए तो 500 खर्चा हो जाएगा उसमें, 200 का लेवल। अगर 200 का लेवल टूटेगा तो एक 50-30 पॉइंट का आराम से ग्राउंड मिलेगी, तो हमारा 40 रुपये के आसपास तक का दे सकती है टारगेट उस वे से। मैं चाहूँ तो वो कर सकता हूँ, बट मैंने आपको बताया ना कि प्रॉफिट को होल्ड करना और लॉसेस को निकाल देना जो है ठीक काम करना चाहिए। ओके सही कर रहे हालांकि जाएगा दूसरा क्योंकि ब्रेकडाउन आ गया, बट अपना ठीक है। वन शूज थ्री के आसपास मेरा 3 रुपये का स्टॉक लॉस था, 12 रुपये का टारगेट था, टारगेट में निकलना भी सही होता है। इसको रिटर्न बिकॉज एक बॉल शॉर्ट पड़ी हुई है तो इसको मेरा पोजिशन ट्रेड है, तो ये अपने लोग इसको पकड़ेगा। तो आई होप को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो कि अगर घंगोर नेगेटिव डेटा है तो प्लान करो कि अपने को शॉर्ट में ही लेना है, घंगोर पॉजिटिव डेटा है अपने को बाय की तरफ प्रेफर करना है। वेब के आसपास आता है वहाँ पर कोई रिलेशन होता है ना बाय की होगा Right? तो सिंपल समरी अगर मैं क्रच देना चाहूँ इस वीडियो को, तो क्रच आपको क्या मिलेगा कि आपने घंगोर नेगेटिव लेना है तो सेल ट्रेड लेना है, घंगोर पॉजिटिव है तो बाय लेना है। कहाँ पे लेना है दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो जब भी वेब के आसपास आता है वहाँ के आसपास आपको एक पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है, जैसे क्या रिएक्शन मिला वहाँ पर बाय किया, स्टॉप लॉस छोटा सा वेब का ही होगा 2-3-4 रुपये जो भी होता है, और आपको टारगेट 2 तो मिनिमम प्लान करना ही होता है। अगर 3-4 मिल जाए जैसे अपने को 12-13 पॉइंट मिल गया, कितने मिले 21 रुपये से मिलेगा, 35 रुपये का 14 पॉइंट मिले 3-4 रुपये के स्टॉक होते, तो मैंने 2-3 के आसपास रख दिया। तो वो चीज़ है क्यों बुक किया प्रॉफिट वो समझो, वो इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है आपका कि अगर ये गलती से 1200 को पढ़ लोगे तो 1200 की पुट है ना, तो ये तो 0 ही होना है इवेंचुअली, राइट? तो आपको करना है एग्जिट डेट से करना होगा बस वो। अगर ये प्लान को तुमने होल्ड करना, जैसे आप देखोगे यहाँ पर मैंने इसको होल्ड किया होगा इस कॉल को, राइट? तो ये होल्ड करो कहाँ तक, यहाँ तक के स्टॉक लॉस 400 96 400 50 है। लेकिन ऑप्शन खींच लेता हूँ। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।